तो अब पबजी नहीं, अब है बाबा जी की बारी। तो इस वीडियो में बाबा जी लेके आए हैं कुछ स्ट्रेटेजीज जो हमको दो दिन फॉलो करनी है ताकि हम पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाए। और यहां पर बाबा जी तीन स्ट्रेटेजीज के साथ आए हैं। इस वीडियो में स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए जो लोग रिवाइज कर चुके हैं या पूरी प्लेज फॉलो कर चुके हैं, सारी चीजें एक बार तो देख ली हैं, मतलब अब सिर्फ रिवाइज करना बचा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बचा है। After one hour, next video उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ लिया है, रिवाइज भी कर लिया है और अब उनको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उनके लिए एक स्ट्रेटेजी है बाबा जी के पास। और फिर आएगा उन लोगों का नंबर जिन्होंने कहा बाबा जी कुछ नहीं पढ़ा, अब सब कुछ आपके हवाले है, पास करा दो किसी तरह। बहुत सारे ऐसे कमेंट भी हैं। तो भाई जो लास्ट स्ट्रेटेजी है आज की, लास्ट वीडियो जो अभी आने वाला है थोड़ी देर के बाद, वो बताएगा आपको कैसे पास होना है। और अब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, बहुत दिन से क्वेश्चंस कर रहे थे बाबा जी न्यूमेरिकल सीरीज कंप्लीट कर दो। भाई न्यूमेरिकल्स आएंगे, कल से आएंगे, आज का दिन कुछ स्पेशल रखा है बाबा जी ने, क्योंकि तुम इंग्लिश का एग्जाम देके आए हो और अब मैं ये मान रहा हूं कि तुमने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया है, तो अब शुरू करते हैं आज का अपना दिन फिजिक्स के लिए। तो ये रही स्ट्रेटेजी नंबर वन। तो भाई अब ये मान लिया गया है कि आपने एक बार प्लेज देख लिए, अब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। टाइम कम है, थोड़ा सा ज्यादा बैठना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट हाँ इन दो तीन दिनों में हम बैठ जाएंगे। और ना बैठ पाओ तो बाबा जी का फोटो देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि जब कोई हमारे लिए इतना कर सकता है हम भी कर सकते हैं और हम करके भी दिखाएंगे। तो आज का दिन है मेरे पास आधा, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ली है मैंने इस सेक्शन में, ऑप्टिक्स। तुम सोकर उठे हो, थोड़ा सा रिलैक्स कर चुके हो, अब तुम ऑप्टिक्स उठा सकते हो। कारण बता रहा हूं, यह है 14 मार्क्स की यूनिट और 3 मार्क्स की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी टोटल हो गया 17 मार्क्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बाबा जी ने जितना बोला है उतना कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हारे पास और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये तीन चीजें हैं जो रट्टा मारनी है। आधा घंटे में एक बार देखकर लिखकर रख लेना और उसको ना जब भी सोते टाइम उठते टाइम एक बार उस पेज को जरूर देख लेना, तुम्हें वेवलेंथ की रेंज रटा जाएंगी। और ना हो ना तो एक और अच्छा तरीका है, वॉशरूम में अपनी आंखों के सामने वो पेज अभी प्रैक्टिस करके चिपका देना। जाओगे ना सुबह आराम से रिलैक्स मोड में देख लेना, वेवलेंथ की रेंज रटा जाएगी। थोड़ा सा वियर टाइप का आइडिया है बट है बहुत काम का। आता है ड्यूअल नेचर। सबसे पहले ऑप्टिक्स को तुम्हें देना है 4 आर, उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत कम होगी इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिख लिख कर देखना। तुम बहुत थके हुए होगे, तुमको लग रहा होगा मुझसे नहीं हो पाएगा, बट कोई बात नहीं, जब स्लो चल रही हो मेमोरी में राइटिंग उस समय ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें लिखना हो हमको। 11 o'clock, टिल 11 o'clock इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैं अभी भी हारा नहीं हूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन थे, तो अब उठाऊंगा मैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसमें मेरे पास डी ब्रोगली थे, इसमें मेरे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली करने के बाद ही मैं सोऊंगा। आज का शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है, कंटिन्यूअसली 6 आवर तुम्हें बैठना है। आप थोड़ा और जाग सकते हो तो यहां पर ब्रेक ले लेना और ब्रेक लेने के बाद ड्यूअल नेचर स्टार्ट करना। इससे ज्यादा पढ़ने का मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। 3 यूनिट आज का दिन खत्म, सो आराम से सो। नेक्स्ट डे 7 o'clock, 6 आवर की नैप ले चुके हैं अगर मैं 1 o'clock भी यहां पे सो रहा हूं तो। आप चाहें तो अपना 1 आवर शेड्यूल डिले कर सकते हैं, आप अगर 2 बजे सो रहे हैं तो आप 8 बजे उठिए, बट ये आपके ऊपर है। मिनिमम 6 आवर की नैप जरूर लेना क्योंकि नेक्स्ट डे बहुत हेक्टिक है, कल बहुत हेक्टिक डे है हमारे पास और यही बैकबोन है हमारे पूरे रिविजन सेक्शन की।
अब मैं बिल्कुल सोकर उठाऊं, फ्रेश मोड में हूं, सबसे हैवी यूनिट्स उठाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने दिए 3R, इससे ज्यादा टाइम बिल्कुल मत देना, डिवाइड कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस। बस ये तीन चीजें मुझे उठानी है और मुझे इन्हें 3R में कंप्लीट करना है विथ न्यूमेरिकल्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी 11:2, अगेन 3R। यहां पर मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको इसमें करनी होगी। फिर भाई अब इस वाले टाइम टेबल में तो आराम से 1.5 आवर की नैप है, सो जाओ, थक चुके हो, दो हैवी यूनिट उठा ली है, दिमाग अब स्लो हो चुका है, रेस्ट लो, रेस्ट बहुत जरूरी है। तुम कंटिन्यूअसली यहां पर देखो 1 आवर का ब्रेक यहां भी दिया था बाबा जी ने, 7 to 10, किसी को 10:30 हो सकता है, किसी को 10:45 हो सकता है, इसीलिए 3R का एक्चुअली स्लॉट है, बट तुम थोड़ा वेरिएशन करने वाले हो, इसीलिए बाबा जी ने यहां पे 1 आवर तुम्हें दिया है एक्स्ट्रा बफरिंग टाइम। आप सो जाओ अगर सोना है, अगर आप इसको कंप्लीट कर चुके हो, नहीं कंप्लीट कर रहे हो तो कंप्लीट करो, पुश करो अपने आप को, बट एटलीस्ट 15 मिनट का ब्रेक जरूर लेना। जैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी को उठाओगे 11:2, 3 आवर्स आर मोर देन सफिशियंट फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी विद न्यूमेरिकल्स। बहुत आसान है मित्रों, आप एक बार कोशिश करके देखो, प्लेज के वीडियोस देख लेना, अगर रिवाइज करने की जरूरत पड़े, इतनी देर में आसानी से न्यूमेरिकल के साथ भी रिवाइज होगा। देन टेक अ 1.5 आवर नैप, देखो 2 बजे से 3:30 आराम से खाना खाओ, सो जाओ, सो गए, अब उठ रहा हूं मैं 3:30 पर, अगेन एक और अच्छी यूनिट उठा रहे हैं हम, एमईसी एंड मैग्नेटिज्म। कोई लोग कहेगा सर एमईसी एंड मैग्नेटिज्म छोड़ के जाना है, बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है भाई, ये 8 मार्क्स की थी, ये 7 मार्क्स का है, ये 8 मार्क्स का है। अगर एमईसी एंड मैग्नेटिज्म 8 मार्क का है, मैं छोड़कर नहीं जा सकता, बाबा जी बाद में उठा लूंगा, बिल्कुल मत उठाओ बाद में, इसको तो आज कर ही बैठना। 3:30 to 6:30, हाँ ये जरूर है कि अगर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ हो तो अपना टाइम बाउंड कर लेना। यहां पर बाबा जी ने एक वीडियो रोका हुआ था मैग्नेटिक मटेरियल्स का, वो वीडियो भी कल आ जाएगा, तो ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा 3:30 to 6:30 में। देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 6:30 to 7:30, अगेन 1 आवर ब्रेक। देखो ब्रेक लेना इसीलिए जरूरी है ताकि तुम दोबारा एनर्जी को फील करो, मगर ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि तुम मोबाइल उठाकर गेम खेल रहे हो। आराम से सो, नहीं सो सकते हो बाहर आओ चिल मारो, जरूरी है ताकि तुम्हारी एनर्जी दोबारा बढ़े। इसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर 7:30 to 9:30, ये प्लेज के वो वीडियोस हैं जो गोल्डन टाइम था प्लेज का, समय तो तुम मजा आ जाएगा पढ़कर, नहीं पढ़ा हुआ हो तो। वैसे तो मैं ये मान रहा हूं कि तुमने पढ़ा हुआ है और कुछ कोर कॉन्सेप्ट छूटे हो तो रिवाइज कर लो। बचा हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम 7:30 to 9:30 के बाद, अगेन 1 आवर ब्रेक बाबा जी ने लिया है 10:30 to 12, यानी 1.5 आवर मैं कम्युनिकेशन सिस्टम को दूंगा। ऐसा टाइम टेबल कभी देखा होगा इतना ब्रेक दिया हो जिसमें? अच्छा कई लोग कहेंगे बाबा जी मैं ये वाला फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, day 1 थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, यहां पर ब्रेक दिए हुए बहुत सारे। सपोज करो आज सोते टाइम तुम ड्वेल नेचर नहीं कर पाए, तो ड्वेल नेचर को बीच में फिलर्स की तरह करना है, जहां जहां तुमने ब्रेक दिए वहां वहां थोड़ा सा ड्वेल नेचर देख लेना, पूरे के पूरे टाइम में आराम से हो जाएगा। 12:00, ज्यादा से ज्यादा 1:00, यार इससे ज्यादा और क्या होगा, एंड टेक अ 8 आवर नैप नाउ। अगर 12:00 सोते हो तो नेक्स्ट डे 8:00, अगर 1:00 सोते हो नेक्स्ट डे 9:00, टेक अ नैप। 6 to 8 hour nap is necessary to remember and to rejuvenate. अपने आप को दोबारा एनर्जी में लाने के लिए बहुत जरूरी है। और नींद आती है, और किसने कहा मत सो, सोना जरूरी है। एटम एंड न्यूक्लियर, मैंने फिर से यहां पे 8 to 9 to 10 to 11 3R दिए हैं इस यूनिट को, ये यूनिट 3R कभी नहीं मांगती, और इसके न्यूमेरिकल्स तुमको कल मिल ही रहे हैं। तो भाई एटम एंड न्यूक्लियर भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट डे, एंड देन EMI एंड AC। बाबा जी सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं पर हैं, बाबा जी आपने लास्ट डे दिया EMI AC को, भाई जो मेरा सेक्शन इनिशियल से कमजोर रहा है
उस सेक्शन को मैं अगर आज इस दिन उठाता हूं, फर्स्ट डे, किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा, भाई आज मैं रिलैक्स हूं, मैं ईएमआईएसी उठाता हूं, बिल्कुल गलती मत करना ईएमआईएसी उठाने की। मैं बताता हूं उसका रीजन, जो मेरा वीक टॉपिक है वो टाइम बहुत कंज्यूम करेगा, और जब टाइम कंज्यूम करेगा तो तुम पूरा दिन सिर्फ ईएमआईएसी में लगा दोगे ये, और बाद में सर पकड़ोगे कि मेरे पास तो अब टाइम ही नहीं है। इसीलिए गलती से भी ईएमआईएसी को फर्स्ट डे उठाने की गलती मत करना। से लास्ट कारण बताता हूं इसका, पहला इफेक्ट है साइकोलॉजिकल कि भाई ईएमआईएसी अगर मैंने एंड में उठाया तो मैं 9 यूनिट्स कवर कर चुका हूं, भाई अब मैं पास हो चुका हूं, अच्छे मार्क्स लाने की कंडीशन में हूं, सिर्फ और सिर्फ इस 8 मार्क की लड़ाई है, और इस 8 मार्क की लड़ाई में भी मेरे पूरे टॉपिक वीक नहीं है, कुछ ही टॉपिक वीक हैं, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई 92 मार्क्स प्रिपेयर्ड हैं, इसके भी कुछ मार्क्स तो मैं ले ही आऊंगा, तो मेरे मार्क्स आ गए। समझ में आ रही है बात? मैं मान रहा हूं प्रैक्टिकल में 30 मिले हैं, 29-30 मिल गए होंगे। तो ईएमआईएसी अगर मैं देखूं तो ईएमआईएसी को मैं दे रहा हूं यहां पे 4R। आपकी इच्छा है, आप और ज्यादा देना चाहते हो या और कम, मेरा सजेशन है कि इससे कम ही देना, इससे ज्यादा मत देना, जितना हो जाए। और 3 o'clock के बाद इट्स योर टाइम नाउ। अब आप देखो कि बाबा जी मुझे कुछ न्यूमेरिकल और करने हैं तो मैं कुछ और न्यूमेरिकल के वीडियोस से कर लेता हूं या कुछ और प्रैक्टिस कर लेता हूं। वैसे मेरा सजेशन है कि यहां अगर आप कर चुके हो तो जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने लॉन्च किया था, जो बाबा जी ने वीडियो कल डाला है सैंपल पेपर का, उसको आराम से कर लो, पूरा देख लो, उसका एनालिसिस समझ लो, और वो एनालिसिस समझने के बाद सिर्फ और सिर्फ अब तुमको की कॉन्सेप्ट एक बार बस ऐसे ही जो प्रैक्टिस किए ना उसको बस ऐसे ही पेजेस को पलटते जाओ, देखते जाओ, और अपने आप से अच्छा अच्छा बोलते जाओ कि इतना पढ़ा है, मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। तो ये रही 2 दिन की स्ट्रेटेजी, बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। तो बाबा जी वापस, और इसके बाद हम साथ में खेलेंगे पबजी, मगर अगले 2 दिन तक मोबाइल में और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा जी। इस वीडियो में इतना ही, जय हो।